यह है ICN न्यूज सोशल मीडिया नेटवर्क, सत्य सटीक विश्वसनीय। अधिक जानकारी के लिए हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। अगर आप यूट्यूब पर हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार, ICN न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत है और मैं हूं आपके साथ पीनल व्यास। आज विधानसभा क्षेत्र इछावर के कांग्रेस कार्यकर्ताओं के द्वारा भाजपा सरकार की नीतियों के विरोध में एवं पूर्व कैबिनेट मंत्री सज्जन सिंह वर्मा पर हुई कार्रवाई के विरोध में SDM इछावर को ज्ञापन सौंपा गया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने ICN को बताया कि लगातार जीवन उपयोगी वस्तुओं के दाम एवं पेट्रोल डीजल के दाम में बढ़ोतरी की जा रही है, जिससे आम जीवन बोझिल होता जा रहा है। साथ ही साथ नेमावर में पूर्व मंत्री पर गलत तरीके से FIR दर्ज कराई गई है, जिसके विरोध में आज इछावर कांग्रेस एकत्र होकर अपने सभी संगठनों के साथ राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंप रही है। इस अवसर पर पूर्व विधायक शैलेंद्र पटेल सहित वरिष्ठ कांग्रेसी नेता एवं प्रदेश सचिव अभय मेहता, इछावर ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष अनार सिंह ठाकुर, जिला उपाध्यक्ष संतोष गुप्ता, बलवान पटेल, कमल सेन, जुनेद खान, ब्रजेंद्र तिवारी, जगदीश परमार सहित कई युवा एवं वरिष्ठ नेता उपस्थित रहे। देखते रहिए ICN न्यूज। ICN न्यूज के लिए जलील खान की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं ICN न्यूज। अधिक जानकारी के लिए हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें और अगर आप यूट्यूब पर हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यह है सत्य सटीक विश्वसनीय।